नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा राजस्थान में कृषि एवं फसलें। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आप देख रहे हैं दोस्तों एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक हमने इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित थी, और इसमें हमने विशेषतः RBSC की किताब कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों को हमने वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ा है। वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है राजस्थान में कृषि एवं फसलें। टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो दोस्तों, कृषि का जो सबसे पहला प्रकार है वो है निर्वहन कृषि। निर्वहन के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वहन कृषि कहलाती है। आजीविका यापन या जीवन निर्वहन के लिए की जाने वाली कृषि निर्वहन कृषि कहलाती है। इसमें मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन आता है। निर्वहन कृषि को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है आदिम निर्वहन कृषि और दूसरा है गहन निर्वहन कृषि। तो सबसे पहले देखते हैं हम आदिम निर्वहन कृषि। एक सेकेंड। हाँ, आदिम निर्वहन कृषि। अब आदिम निर्वहन कृषि में कैसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आदिवासी जनजातियों द्वारा आजीविका यापन के लिए की जाने वाली कृषि को आदिम निर्वहन कृषि कहते हैं। आदिम का मतलब आदिवासी जनजाति। आदिवासी जनजातियों के द्वारा जीवन यापन निर्वहन के लिए की जाने वाली कृषि को आदिम निर्वहन कृषि कहते हैं। इसको भी हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक स्थायी कृषि और दूसरी स्थानांतरित कृषि। स्थायी कृषि कौन सी होती है? स्थायी कृषि वो होती है जो आदिवासी जनजातियों के द्वारा स्थायी रूप से कृषि की जाती है, वो स्थायी कृषि की कहलाती है। चाहे आदिवासी जनजाति हो या कोई भी जाति हो, के द्वारा स्थायी रूप से की जाने वाली कृषि स्थायी कृषि कहलाती है। और स्थानांतरित कृषि कैसे कहते हैं? यानी कि आदिम निर्वहन के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है स्थानांतरित कृषि, वो किसे कहते हैं? तो आदिवासी जनजातियों के द्वारा वनों को काटकर अथवा वनों को जलाकर स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब देखते हैं राजस्थान में स्थानांतरित कृषि, इसका दूसरा नाम है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि भी कहते हैं के बारे में। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं या झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, और यह कौन से क्षेत्र में होती है? यह मुख्यतः अरावली क्षेत्र में होती है, अरावली के क्षेत्र में। इसमें सबसे पहला एक नाम आता है दजिया। दजिया क्या है? भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। यानी कि दजिया शब्द का अर्थ है भील जनजाति के द्वारा, स्पेशल है, भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। इसे स्लैश भी कहते हैं, स्लैश। दूसरा है चिमाता। चिमाता भी भील जनजाति के द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। ये वर्म विधि से की जाती है, वर्म अंग्रेजी में से वर्म कहते हैं। यानी कि दजिया भील जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाती है, और चिमाता भील जनजाति के द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को दजिया या चिमाता कहते हैं। इसे इंग्लिश में दजिया को स्लैश कहते हैं और चिमाता को वर्म कहते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है वालरा। वालरा जो है गड़ासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि है। गड़ासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को वालरा कहते हैं। ये मुख्यतः सिरोही जिले के अंदर की जाती है। वालरा जो टाइप के जो झूमिंग कृषि है जिसे वालरा शब्द कहते हैं, तो मुख्यतः सिरोही जिले में ये नाम प्रचलित है। इसके अलावा दूसरा बातरा।
शहरिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बातरा कहते हैं। बातरा जो है मुख्यतः बारा जिले में की जाती है, यानी कि बालरा गड़ासिया जनजाति के द्वारा और बातरा सहरिया जनजाति के द्वारा। गड़ासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले में है, जबकि सहरिया जनजाति मुख्यतः बारा जिले के अंतर्गत है। आगे देखते हैं, भारत में की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषियों के और नाम देखते हैं। ये तो हमने राजस्थान में देख लिया, राजस्थान में चार नामों से पुकारते हैं इस स्थानांतरित कृषि को आदिवासी इलाके में। तो इसके अलावा झूमिंग कृषि को भारत के विभिन्न इलाकों में किस किस नाम से जानते हैं उसको आओ देख लेते हैं एक बार। खिल, खिल कहते हैं हिमाचल प्रदेश में इसको, झूमिंग कृषि को खिल कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। झूम कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, मुख्यतः वहीं की जाती है ये खेती, उत्तर पूर्वी राज्यों में ही की जाती है जहां इसे झूम कहते हैं, और उसके नाम पर ही झूमिंग कृषि इसका नाम पड़ा है। अगला पामलू, पामलू कहते हैं मणिपुर के अंदर। कुरवा कहते हैं झारखंड में। कुमारी कहते हैं पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में इसे कुमारी कहते हैं। और बोगमा मेघालय के अंदर कहते हैं। देप्पा मध्य प्रदेश में कहते हैं। बेबर छत्तीसगढ़ में कहते हैं। पोंडू उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कहते हैं। और पोनम केरल के अंतर्गत कहते हैं। आगे बात करते हैं गहन निर्वहन कृषि, दूसरा प्रकार था हमारा निर्वहन कृषि का, गहन निर्वहन कृषि। ये क्या होती है? तो खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से मैदानी एवं तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि गहन निर्वहन कृषि कहलाती है। यानी कि राजस्थान में तो मैदानी इलाके नहीं, तटीय प्रदेश है ही नहीं, तो मैदानी इलाकों में की जाने वाली जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो कृषि है उसे गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। ये भी मुख्यतः दो भागों में अपन बांट सकते हैं इसको, एक है चावल प्रधान कृषि और दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि जो होती है वो 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जहां पर 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा होती है उस जगह पर चावल प्रधान कृषि की जाती है। लेकिन गेहूं प्रधान कृषि की बात करें तो वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जिस इलाके में होती है उस इलाके में गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। तो राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 57.51 सेंटीमीटर है। तो राजस्थान में जो कृषि की जाती है गहन कृषि वो गेहूं प्रधान कृषि की जाती है, जबकि भारत के अंतर्गत चावल प्रधान कृषि की जाती है, क्योंकि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं अपन आर्द्र कृषि की, कृषियों के प्रकार कितने हैं उनको देख लेते हैं एक बार। आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र कृषि कहते हैं। राजस्थान के अंतर्गत ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले इलाके में की जाती है, जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है उस इलाके में, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और इस इलाके में, यहाँ पर यह कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि आर्द्र कृषि कहलाती है। इसके बाद दूसरा नाम है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि कहते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इसमें पूरा पश्चिमी राजस्थान आता है, अरावली पर्वत के पश्चिम वाला हिस्सा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है, तो उस जगह पर शुष्क कृषि की जाती है। इसके अलावा तीसरा है मिश्रित कृषि का प्रकार, जो हमारे राजस्थान में की जाती है। मिश्रित कृषि है कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है, जो कि पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। इस तरह से पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कृषि की जाती है। अगला है व्यापारिक कृषि। निर्यात के पर्पज से, निर्यात या आय की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि
व्यापारिक कृषि कहलाती है। ये व्यापारिक कृषि में मुख्यतः जूट, पटसन, कपास या अफीम आदि की कृषि आती है। अगला है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी फसल के साथ साथ चारा, फल, सब्जी, फूल आदि का उत्पादन कृषि वानिकी कहलाता है। यानी कि फसलों के साथ साथ चारा, फल, फूल, सब्जी आदि का उत्पादन कृषि वानिकी कहलाता है। और एक और है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग है वर्ष में एक ही खेत में चार या उससे अधिक उत्पादन लेना, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एक ही वर्ष में एक ही खेत में चार या उससे अधिक फसल का उत्पादन रिले क्रॉपिंग कहलाता है। आगे देखते हैं। फिर आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि होती है कि रासायनिक उर्वरकों या हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक पदार्थों से, जैसे हरी खाद, मोस्टली ढेंचा का इस्तेमाल करते हैं, एल्गी, सैवाल, राइबोजोनियम, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग कर मृदा को उर्वरक शक्ति बनाए रखना जैविक कृषि कहलाता है। यानी कि जैविक कृषि का मतलब है कि रासायनिक उर्वरक या हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हरी खाद का इस्तेमाल करना। हरी खादों में जैसे आता है ढेंचा है, एल्गी है, सैवाल है, राइबोजियम है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के पदार्थों का उपयोग करके मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना जैविक कृषि कहलाता है। जैविक कृषि के मामले की बात करें तो विश्व के अंदर क्यूबा का प्रथम स्थान आता है। क्यूबा देश विश्व के अंदर प्रथम स्थान रखता है जैविक कृषि में, जबकि भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सिक्किम राज्य का प्रथम स्थान आता है। सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पर है जैविक कृषि में, यानी कि पूरा जैविक राज्य कह सकते हैं सिक्किम को भारत के अंतर्गत। और अगर अपन राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो डूंगरपुर में सर्वाधिक जैविक कृषि की जाती है। राजस्थान में डूंगरपुर, भारत में सिक्किम और विश्व के अंतर्गत क्यूबा जैविक कृषि का प्रधान क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम समोच्च कृषि या पट्टीदार कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि या कट्टूर कृषि, ये सारे एक ही नाम है। इसमें मृदा संरक्षण की विधि अपनाई जाती है। नाम है समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि और कट्टूर कृषि। ये पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि है। ये जो है पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि या पट्टीदार कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि या कंटूर कृषि कहते हैं। अगला गहन कृषि। जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि जो है गहन कृषि कहलाती है। जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि गहन कृषि कहलाती है। ये राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, राजस्थान में मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा विस्तीर्ण कृषि। विस्तीर्ण कृषि का मतलब है जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली कृषि विस्तीर्ण कृषि है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली कृषि विस्तीर्ण कृषि। इसके बाद आता है बारानी कृषि। बारानी कृषि एक शब्द है जिसका मतलब है पूर्णतया वर्षा पर निर्भर कृषि, जहां सिंचाई की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, बिना सिंचाई के की जाने वाली कृषि बारानी कृषि कहलाती है। इसके बाद प्रशंविदा कृषि। एक शब्द आता है प्रशंविदा कृषि, ये समझौता या एग्रीमेंट के आधार पर की जाने वाली कृषि है, जो कि आजकल भारत सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है प्रशंविदा कृषि के लिए, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। वो है समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि प्रशंविदा कृषि कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान में कृषि एवं फसलें। राजस्थान में कृषि एवं फसलें, तो राजस्थान में कृषि की बात करें
तो राजस्थान में कुछ कृषि के संबंध में क्रांतियां हुई हैं, राजस्थान में क्या पूरे भारत में हुई है ये कृषि संबंधी क्रांतियां, तो वो कौन कौन सी क्रांतियां हैं, उन क्रांतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहली क्रांति हुई है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति कहलाता है। कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के अंतर्गत आता है, और विश्व में इसके जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्होंने 1950 ईस्वी में विश्व के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने 1950 में इसकी शुरुआत की थी। जब भारत के सापेक्ष में अगर देखें तो भारत में इनको हरित क्रांति का जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन समिति थी वैसे, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि भारत में जिसकी शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई थी। 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका नामांकन जो हरित क्रांति शब्द सबसे पहले विलियम्स गॉड के द्वारा लिया गया था, विलियम्स गॉड के द्वारा लिया गया था। और भारत में जो एम एस स्वामीनाथन ने 1966-67 के दौरान जो किया था, ये योजना अवकाश के दौरान का समय है। योजना अवकाश का मतलब है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, पांच पांच वर्ष की योजनाएं चलती हैं, उस दौरान 1966-67 के दौरान कोई योजना नहीं चल रही थी पंचवर्षीय योजना, उसको योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश के दौरान भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुई थी। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी एक इंपॉर्टेंट क्रांति है। श्वेत क्रांति मुख्यतः दुग्ध उत्पाद या डेयरी उत्पादों से संबंधित है। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध उत्पाद या डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना। इसके जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन को जनक माना जाता है भारत में इनका। वर्गीज कुरियन को 1970 ईस्वी में इन्होंने आनंद नाम की एक डेयरी स्थापित की थी, जो कि गुजरात के अंदर है, जिसका अमूल दूध आता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध। आनंद में, आनंद के अंदर अमूल कंपनी स्थापित की थी गुजरात के अंदर वर्गीज कुरियन ने 1970 ईस्वी के अंतर्गत। जबकि राजस्थान में इसका प्रारंभ 1971 से हुआ था। राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो श्वेत क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 1971 में हुई थी, जो कि पद्मा डेयरी के तौर पे हुई थी। पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड ये चलाया था सहकारिता विभाग ने। सहकारिता आधारित प्रोग्राम था ये, सहकारिता पे आधारित कार्यक्रम था ऑपरेशन फ्लड। इसमें भी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा दिया गया था, जो कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद बात करते हैं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद और भी कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, जो कि अलग अलग फसलों या नस्लों के लिए उपयुक्त हुई हैं। आइए देखते हैं। पीली क्रांति तिलहन के लिए चलाई गई थी। पीली क्रांति, नीली क्रांति मछली के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए, झींगा मछली का नाम है, झींगा टाइप की मछली। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, नीली क्रांति मछली के लिए। इसके अलावा रजत क्रांति अंडा के लिए थी। लाल क्रांति टमाटर और मांस के, मांस को बढ़ावा देने के लिए थी। काली क्रांति अफीम से संबंधित है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी काली क्रांति चलाई गई है, लेकिन कृषि क्षेत्र की बात करें तो अफीम का नाम आता है। गोल क्रांति आलू को बढ़ावा देने के लिए थी। सुनहरी क्रांति फल सब्जी को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, परामनी भिंडी के लिए, और सैफ्रॉन, सैफ्रॉन जो है केसर को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति थी। इसके अलावा सुनहरी रेशा जूट या पटसन को बढ़ावा देने के लिए, सफेद रेशा कपास को बढ़ावा देने के लिए, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादों को प्रोसेस करने के लिए भूरी क्रांति को
आई थी। इसके अलावा इंद्रधनुषी, संपूर्ण क्रांतियों पर नियंत्रण रखना इंद्रधनुषी क्रांति है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो क्रांति है, नदियों को आपस में जोड़ने की क्रांति अमृत क्रांति है, जो कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई थी, नदी जोड़ो परियोजना। इसके बाद राजस्थान में कृषि से संबंधित विशेष पद्धतियां हैं कुछ, अब वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली कल्चर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए करते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन के लिए है। हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी के उत्पादन के लिए। वर्मीकल्चर केंचुआ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बीटीकल्चर अंगूर की कृषि के लिए की जाती है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। ओलिवी ओलिवी कल्चर जैतून उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए की जाती है। यानी कि अपन कहें एक विशेष पद्धतियां हैं, ये विशेष मेथड हैं, इन मेथडों से इन तरह की कृषियां की जाती हैं जिससे कि उत्पादन अधिक होता है। इन मेथडों को एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फ्लोरीकल्चर फूल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी का उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ उत्पादन, वीटीकल्चर अंगूर उत्पादन, पीसीकल्चर मछली उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और ओलिविकल्चर जैतून के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पद्धतियां हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है टसर। टसर कार्यक्रम, एक टसर कार्यक्रम चलाया गया था राजस्थान के अंतर्गत। वो क्या है टसर कार्यक्रम? तो टसर कार्यक्रम है राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़ों को पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए गए। यानी कि रेशम के कीड़ों को पालने के लिए अर्जुन के वृक्ष लगाए गए हैं कृत्रिम रूप से। एक्चुअली रेशम के कीड़े जो हैं वो सहतूत के वृक्ष पर पड़ते हैं, पर सहतूत राजस्थान की जलवायु सहतूत के उपयुक्त नहीं है, इसलिए अर्जुन के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वो टसर कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। और ये मुख्यतः कोटा उदयपुर बांसवाड़ा झालावाड़ जिलों के अंतर्गत शुरू की गई है। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख कृषि संबंधी संस्थाएं। प्रमुख कृषि संस्थाएं हैं राजस्थान में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत स्थापित है। दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह तबीजी अजमेर के अंदर है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंतर्गत है। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र जोहड़ भीड़ के अंतर्गत है, जो कि बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय वेर अनुसंधान केंद्र जोहड़ भीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। ये मुख्यतः पांच केंद्रीय अनुसंधान है राजस्थान के अंतर्गत, जो मुख्यतः पूछे जाते हैं परीक्षाओं के दौरान। कौन कौन से? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, केंद्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर जिले में, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, और केंद्रीय वेर अनुसंधान केंद्र ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि फार्म और स्थापित किए गए राजस्थान में। प्रथम राष्ट्रीय कृषि फार्म जो स्थापित किया गया है वो सूरतगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है, गंगानगर जिले में। सूरतगढ़ के अंतर्गत गंगानगर जिले में 1956 ईस्वी में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फार्म की बात करें तो ये जैतसर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फार्म जैतसर के अंतर्गत, ये भी गंगानगर जिले में 1978 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और तीसरे की बात करें तो वो राष्ट्रीय कृषि फार्म, तृतीय राष्ट्रीय कृषि फार्म जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
आगे बात करते हैं अपन राजस्थान में फसलें। राजस्थान में कौन कौन सी फसल होती हैं? तो राजस्थान में मुख्यतः तीन तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल कौन कौन सी हैं, जायद की फसल कौन कौन सी हैं और खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, आइए ये देख लेते हैं। देखिए रबी की फसल की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसकी बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर के माह के दौरान होती है और कटाई मार्च अप्रैल के दौरान होती है, यानी कह सकते हैं दिवाली के आसपास बोया जाता है और होली के आसपास इसकी कटाई होती है। खाद्यान्न फसलों की बात करें, रबी की फसल की खाद्यान्न फसलें तो गेहूं और जौ मुख्यतः हैं। जौ को यव भी कहते हैं, यव। गेहूं और जौ मुख्यतः खाद्यान्न फसलें, जबकि दलहन फसलों में चना, मसूर और मटर रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तिलहन की बात करें तो सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और अलसी रबी की फसल है। मसालों की बात करें, मेथी और धनिया, मेथी, धनिया, जीरा रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और व्यापारिक फसल की बात करें तो अफीम और ईसबगोल ये रबी की फसल हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है एक बार दोबारा देख लेते हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी, मेथी, धनिया, जीरा और अफीम, ईसबगोल, ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें बात करते हैं तो जायद की फसलों में अधिकतर बेल वाली फसल होती है, जो बेल के तौर पर पैदा होती हैं। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काटी जाती हैं। जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, जो बेल वाली फसलें हैं अधिकतर जायद वाली फसल होती हैं। इसके अलावा जो बाकी फसलें हैं वो सब खरीफ की फसल हैं। जून और जुलाई में इसकी बुवाई शुरू होती है, यानी कि बरसात के प्रारंभ में इसकी बुवाई शुरू होती है और बरसात की समाप्ति के साथ ही इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है, यानी सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है खरीफ के फसल की। मुख्यतः फसल की बात करें, खाद्यान्न फसलों की मुख्यतः बात करें तो बाजरा, चावल और मक्का, ज्वार ये खरीफ की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मोठ और ग्वार ये मुख्यतः दलहन फसलें हैं। और तिलहन फसलों की बात करें तो तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली ये सब तिलहन फसल हैं, जो कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। और कपास, गन्ना, तंबाकू ये सब व्यापारिक फसलें हैं, जो कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल को एक बार दोबारा देखें, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, चंबला, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू ये सभी खरीफ की फसल हैं। इसके बाद किस्मों की बात करते हैं कि अधिकतर हमारे यहाँ पर कौन सा अनाज या कौन सी किस्म के बीज बोए जाते हैं। तो सबसे पहले मक्का की बात करते हैं, तो मक्का की जो किस्में हैं मुख्यतः जो बोई जाती हैं वो हैं माही कंचन, माही धवल, शविता, मोती और नवजोत, ये मक्का की फसलें हैं। माही कंचन, माही धवल, शविता, मोती और नवजोत। गेहूं की किस्मों की बात करते हैं तो कल्याण सोना या सोना कल्याण कहो, सुजाता, सोनालिका, गंगा लहरी और लाल बहादुर ये गेहूं के मुख्य फसल हैं। एक बार दोबारा देखें, कल्याण सोना, सुजाता, सोनालिका, गंगा लहरी और लाल बहादुर गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। चावल की प्रमुख किस्मों की बात करें तो गोल्डन राइस, माही सुगंध, चम्बल, कावेरी, परमल, बासमती ये चावल के प्रमुख फसल हैं, प्रमुख किस्में हैं। दोबारा देखो, चावल की गोल्डन राइस, माही सुगंधा, चंबल, कावेरी, परमल, बासमती ये चावल की प्रमुख किस्में हैं। ज्वार की प्रमुख किस्म चरी है, सरसों की, दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। सरसों की प्रमुख किस्में हैं दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। मूंगफली की बात करें तो चंद्रा, मोठ की बात करें तो ज्वाला और मूंग की बात करें तो जड़िया। कपास की बात करें तो अमेरिकन, तरमा,
जंगेली और बीकानेरी, ये कपास की प्रमुख फसलें हैं, वो किस्में हैं। आइए अब आगे देखते हैं, राजस्थान में कृषि एवं फसलें। तो राजस्थान में कौन कौन सी कृषि, कौन कौन सी फसल किस किस तरह की है, आइए वो देखते हैं। इसमें मुख्यतः पहले हम बात करते हैं, राजस्थान में कुछ शब्द बोले जाते हैं कृषि जोत से संबंधित। तो वो कौन कौन सी कृषि जोत हैं, कृषि जोत क्या होती है, कृषि जोत से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बार देखते हैं। पहले कृषि जोत की बात करें, कृषि जोत किसे कहते हैं। एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र से शुद्ध बोया जाने वाला कृषि क्षेत्र कृषि जोत कहलाता है। दोबारा देखो, कृषि जोत किसे कहते हैं। एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र से शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र कृषि जोत कहलाता है। इसके मुख्यतः प्रकार कौन कौन से हैं, वो हैं सीमांत कृषि जोत, लघु कृषि जोत, अर्ध मध्य कृषि जोत, मध्य कृषि जोत और बृहद कृषि जोत। यानी कि सबसे छोटा सीमांत कृषि जोत, फिर लघु कृषि जोत, फिर अर्ध मध्य कृषि जोत, फिर मध्य कृषि जोत और बृहद कृषि जोत। आइए एक एक करके सबके बारे में देखते हैं क्या है। सीमांत कृषि, सीमांत जोत या सीमांत कृषि जोत किसे कहते हैं, तो वो है 1 हेक्टेयर से कम कृषि जहां पे होती है। ऐसे किसान जो 1 हेक्टेयर से कम कृषि करते हैं उन्हें सीमांत जोत वाले कृषक कहा जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत 49.55% इस तरह के किसान हैं। दूसरी बात करते हैं लघु जोत कृषकों की। लघु जोत, तो लघु जोत होती है 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य की जाने वाली कृषि। राजस्थान के अंतर्गत ऐसे 20.72% कृषक है। ये ऐसी कृषि 20.72% क्षेत्र में है। अर्ध मध्य जोत की बात करें तो ये 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य की जाती है। 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य जिनके पास खेत हैं, जिनके पास भूमि है, वो अर्ध मध्य जोत वाले कृषक आते हैं। ऐसे राजस्थान में कुल मिला के 14.97% कृषक है। मध्य जोत वाले कृषक की बात करें जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है, 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य भूमि आती है, ऐसे कुल मिला के 11.74% भूमि है। और बृहद जोत वाली बात करते हैं, जो कि बृहद जोत बृहद कृषक हैं, उनके पास 10 हेक्टेयरों से अधिक कृषि है और ऐसे कुल मिलाकर 2.97% कृषक हैं। राजस्थान में कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है राजस्थान का, तो 3,42,087,000 हेक्टेयर है, सॉरी 342.87 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान की कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र जो आता है वो 342.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जबकि शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र कुल मिला के 179.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52.22% हिस्सा है। शुद्ध बोया जाने वाला फसली क्षेत्र जो है वो 52 पॉइंट, यानी कि राजस्थान में जितनी भी कुल भूमि है कृषि योग्य, उसमें से केवल जो कृषि की जाती है वो 52.22% क्षेत्र पर ही कृषि की जाती है। आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल। तो राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी है, तो सर्वाधिक खरीफ की फसल बोई जाती है, जो कि 60 से 70% क्षेत्र के अंतर्गत बोई जाती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल रबी की फसल है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि खाद्यान्न बाजरा बोया जाता है। सर्वाधिक कृषि खाद्यान्न क्षेत्र में जो बोया जाता है वो बाजरा बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक कृषि दलहन की बात करें तो मोठ बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि तिलहन में सरसों बोई जाती है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। बोया सर्वाधिक बाजरा जाता है, उत्पादन गेहूं का सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार सर्वाधिक उत्पादन की दलहन वाली फसल चना है,
जबकि बोया सर्वाधिक क्षेत्र में मोठ जाता है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र सर्वाधिक चने का होता है। सर्वाधिक उत्पादन होने वाली तिलहन की फसल सरसों है और बोई भी सरसों ही जाती है। सरसों ही सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है और सरसों ही सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसलों में सर्वाधिक कृषि यानी कि सर्वाधिक बोई जाने वाली और उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल सर्वाधिक बोई जाने वाली बाजरा है, जबकि उत्पादित होने वाली गेहूं है। सर्वाधिक कृषि उपलिक उत्पादित दलहन बोई मोठ जाती है, उत्पादन चना का होता है। सर्वाधिक तिलहन फसल की बात करें तो बोया सर्वाधिक सोयाबीन जाता है और सरसों उत्पादित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर है। राजस्थान में न्यूनतम कृषि क्षेत्र वाला जिला राजसमंद है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला चूरू है। चूरू के बाद बीकानेर है। यानी कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर है, सबसे कम राजसमंद है। सिंचित की बात करें तो सर्वाधिक सिंचित जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ है और सबसे कम चूरू है। आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर है, जबकि दलहन की बात करें सर्वाधिक दलहन कृषि क्षेत्र वाला जिला चूरू है। सर्वाधिक तिलहन क्षेत्र वाला जिला वाणा है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला जिला अलवर है। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला अलवर है। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला नागौर है और सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला जिला बारा है। यानी कि अपन बात करें राजस्थान में कृषि यानी कि सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि बोए जाने वाला क्षेत्र बाड़मेर है, जबकि उत्पादित करने वाला क्षेत्र अलवर है। इसी तरह दलहन की बात करें सर्वाधिक चूरू जिले के अंदर बोई जाती है, जबकि नागौर जिले के अंदर उत्पादित होती है। इसी तरह तिलहन की बात करें तो सर्वाधिक वारा जिले के अंदर बोई जाती है और बारा जिले के अंदर ही उत्पादित होती है। इसके बाद खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं कि सर्वाधिक कौन सी फसल कौन से जिले में बोई जाती है और कौन से जिले में उत्पादन होता है। बाजरे की बात करते हैं, बाजरा बाड़मेर में सर्वाधिक बोया जाता है, अलवर में सर्वाधिक उत्पादित होता है। गेहूं गंगानगर में सर्वाधिक बोया जाता है, गंगानगर के अंदर, और गंगानगर के अंदर ही सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं। यानी कि गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। गेहूं का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र सर्वाधिक बोए जाने वाला क्षेत्र यानी कि जिला गंगानगर है और उत्पादन करने वाला जिला भी गंगानगर है। जबकि चावल की बात करें तो चावल सर्वाधिक बूंदी के अंदर बोया जाता है और हनुमानगढ़ में उत्पादित होता है। और हनुमानगढ़ के अंदर एक बासमती किस्म पैदा होती है जो कि सबसे महंगी सबसे बढ़िया किस्म है। बासमती चावल हनुमानगढ़ के अंदर पैदा होता है। मक्के की बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है, जबकि चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। जौ की बात करें, जौ या यव जिसे कहते हैं, जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है और जयपुर जिले के अंदर ही सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसके बाद बात करें दलहनों की, तो मोठ सर्वाधिक बाड़मेर में बोई जाती है और बाड़मेर में ही उत्पादित होती है। मूंग सर्वाधिक नागौर में बोई जाती है, नागौर में ही उत्पादित होती है। चना सर्वाधिक चूरू में बोया जाता है, चूरू में ही उत्पादित होता है। उड़द सर्वाधिक भीलवाड़ा में बोई जाती है, जबकि बूंदी में उत्पादित होती है। और चबला सीकर में बोई जाती है, सीकर में ही उत्पादित होती है। अरहर बांसवाड़ा में बोई जाती है, उदयपुर में उत्पादित होती है। जबकि मसूर झालावाड़ में बोई जाती है और बूंदी में सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसी प्रकार मटर जयपुर में सर्वाधिक बोई जाती है और जयपुर में ही सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसके बाद
कुछ तिलहन फसलों को देखते हैं, सर्वाधिक कृषि वाले जिले और वही सर्वाधिक उत्पादित होने वाले जिले कृषि तिलहन से संबंधित। मूंगफली की बात करें तो बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है और बीकानेर में ही सर्वाधिक उत्पादित होती है, जिसे बीकानेर में भी राजस्थान का राजकोट कहते हैं इसे, यानी कि भारत में राजकोट के अंदर मूंगफली सर्वाधिक उत्पादित होती है और राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर क्षेत्र को कहते हैं। लूणकरणसर क्षेत्र को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मूंगफली राजकोट के अंदर होती है, इस तो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं, यानी कि बीकानेर में सर्वाधिक बोई जाती है और सर्वाधिक उत्पादित भी मूंगफली बीकानेर के अंदर होती है। तिल की बात करें तो पाली जिले के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है और पाली जिले में ही सर्वाधिक उत्पादित होता है, जबकि सोयाबीन, सॉरी अलसी, अलसी नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है, नागौर जिले में ही सर्वाधिक उत्पादित होता है। सोयाबीन बारा जिले में सर्वाधिक बोया जाता है, बारा जिले में ही उत्पादित होता है। इसी प्रकार अरंडी जालौर जिले में सर्वाधिक बोया जाता है, जालौर में ही उत्पादित होता है। तारामीरा नागौर जिले में सर्वाधिक बोया जाता है, नागौर जिले में ही उत्पादित होता है। इसी प्रकार सरसों सर्वाधिक टोंक जिले के अंदर बोई जाती है और अलवर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसके बाद अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख बागवानी फसलों के, कि राजस्थान के प्रमुख बागवानी फसल कौन-कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती हैं उनकी बात करते हैं। आम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होता है, संतरा झालावाड़ में होता है, केला बांसवाड़ा में होता है, अंगूर गंगानगर के अंदर होता है, अमरूद सवाई माधोपुर में होता है, अनार पाली के अंदर सर्वाधिक उत्पादित होता है, जबकि नींबू भरतपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। शहतूत जयपुर के अंदर होते हैं, माल्टा गंगानगर के अंदर होता है, किन्नू गंगानगर के अंतर्गत होता है, सीताफल राजसमंद के अंदर होता है, पपीता टोंक जिले में सर्वाधिक होता है, खरबूजा पाली के अंदर होता है, तरबूज सीकर के अंतर्गत सर्वाधिक होता है, मेथी नागौर में होती है, धनिया बारा के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित होता है, जबकि जीरा जालौर में होता है, ईसबगोल जालौर में होती है, प्याज सीकर में सर्वाधिक होती है, अफीम चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होती है, तंबाकू अलवर में उत्पादित होती है, टमाटर जयपुर में सर्वाधिक उत्पादित होता है, सौंफ सिरोही के अंतर्गत होती है और आंवला जयपुर में सर्वाधिक होता है। आंवला जयपुर के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बार हम इनको दोबारा से देख लेते हैं, राजस्थान की प्रमुख बागवानी फसलें। तो राजस्थान की प्रमुख बागवानी फसल कौन कौन सी है एक बार दोबारा देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। आम सर्वाधिक चित्तौड़ के अंतर्गत उत्पादित होते हैं, आम चित्तौड़ में, संतरा झालावाड़ में, केला बांसवाड़ा में, अंगूर गंगानगर में, अमरूद सवाई माधोपुर में, अनार पाली में, नींबू भरतपुर में, शहतूत जयपुर में, माल्टा गंगानगर में, किन्नू गंगानगर में, सीताफल राजसमंद में, पपीता टोंक में, खरबूजा पाली में, तरबूज सीकर में, मेथी नागौर में, धनिया बारा जिले में, जीरा जालौर जिले में, ईसबगोल जालौर में, प्याज सीकर में, अफीम चित्तौड़गढ़ में, तम्बाकू अलवर में, टमाटर जयपुर में, सौंफ सिरोही में और आंवला जयपुर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिए। चलिए, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।